इनम क्या कर रही हो? बाबर से बात कर रही हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे लिए घर देखा है। कहता है कि शादी के बाद कुछ अर्सा माँ बाप के साथ रहेंगे, लेकिन फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इरम, बाबर से इतनी उम्मीदें मत लगाओ। बाबर तुम्हारी ठीक नहीं है, मैंने अभी अभी ख्वाब में देखा है, मेरी बात मान लो। क्या तुम्हारा हर ख्वाब सच्चा होता है? नहीं, और क्या तुम दावे के साथ कह सकती हो कि मुझसे मुतलक देखा हुआ ख्वाब सच होगा? नहीं, मैं दावे के साथ नहीं कह सकती। यानी ये भी हो सकता है कि जो ख्वाब तुमने देखा है हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स हो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि होगा तो वो ही जो अल्लाह चाहेगा। बेशक। तो फिर अल्लाह पर छोड़ दो ना, तो मेरे लिए दुआ करो कि जो ख्वाब तुमने मेरे मुतालिक देखा है वो सच ना हो। पता है, मैं बाबर के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मुझे मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत करता है। वरना मैं तुम्हारी बात मान लेती और रिश्ते से इनकार कर देती। तुम्हारा क्या होगा अगर मेरा एक भी ख्वाब सच्चा हो गया तो? मुझे कोई डर नहीं है। अगर मैं बाबर के साथ खुश ना रह सकी तो किसी को इल्जाम नहीं दूंगी। बस फैसला हो गया है, मैं बाबर से ही शादी करूंगी, उसके सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। शक तो नहीं हुआ मैं मिलने आया था तुमसे? हो गया है। किसे? इम्तियाज भाई को। उन्होंने देखा था तुम्हें? हाँ, मुलाकात हुई थी। मैंने तो यही कहा उनको कि मैं तो फयाज भाई से मिलने आया था, गलती से यहाँ आ गया। तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आया ना उन्हें, इसीलिए पूछा। और तुम जोया से भी मिले थे? हाँ, मिली थी वो भी। मैं तो बहुत ही एहतियात से जा रहा था, मेरे ख्याल था सब लोग मेहमानों में मसरूफ होंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, फिर अचानक सामने आ गई। मेरे ख्याल से हम लोगों को ना बाहर ही मिलना चाहिए। बाहर मिलना कौन सा आसान है? हाँ, कितने जतन करने पड़ते हैं, कितने बहाने बनाने पड़ते हैं घर से बाहर निकलने के लिए। और इम्तियाज भाई तो हर वक्त गेट के आसपास होते हैं। मिलना भी तो जरूरी है ना, क्या करूं, तुम्हें देखे बगैर ना चैन नहीं आता, कसम से। दिल चाहता है बस झट से शादी हो जाए हमारी। हंस रही हो क्यों? तुम्हारा दिल नहीं चाहता हमारी शादी हो? चाहता है। कष्ट से कहो ना, घर वालों से बात करें। अभी नहीं, अभी तो बताया उसे, ख्वाब देखेगी तो खुद ही बता देगी। वालेकुम अस्सलाम। आपको याद होगा मैं कुछ दिन पहले आई थी। जी। मैंने अपने घर के सारे मसले आपको बताए थे, मेरे शौहर की नौकरी भी नहीं थी। जी। आपने ख्वाब देखकर बताया था कि मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, मेरे घर खुशहाली आ जाएगी, मगर खुशहाली तो नहीं आई। कल मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। जरूर कोई अल्लाह की मसलियत होगी। आपने तो कहा था कि मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, मेरे घर में खुशहाली आ जाएगी, लेकिन आपका ख्वाब तो झूठा निकला। मैंने तो जो ख्वाब देखा वो बता दिया, अब आपकी आने वाली जिंदगी में क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं,
रिश्तेदार तो पूछने भी नहीं आए। आप घर जाएं और अपनी इद्दत पूरी करें। जब तक आपकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती, आपकी आपके बच्चों के खाने पीने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ और बाकी अखराजात भी हम संभाल लेंगे। शुक्रिया शुक्रिया बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपको बहुत खुश रहा देखा है। अल्लाह आपको खुश रखे, खुश रखे आपको अल्लाह।